हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है संडे, मेरा फ्रेंड भी आज ड्यूटी पे नहीं गया था, मैंने भी गाड़ी जल्दी खड़ी कर दी है। तो आज हम लोग आ गए हैं टहलने लेन की पटरी पे, ऊंची वाली। देख सकते हो यहाँ की लोकेशन, अभी बैक कैमरे से दिखाते हैं। गाइस अभी 2-3 मंथ के बाद इधर आया हुआ, मतलब अब काफ़ी कम आना जाना रहता है क्योंकि मेरा फ्रेंड भी ड्यूटी करने लगा है। मैं भी यार बिजी रहता हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी किस्त पे ले ली है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आज जल्दी आ गए तो सोचा कि एक व्लॉग ही शूट कर लिया जाए। तो सामने की लोकेशन देख सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, इस साइड देख सकते हो। गाइस यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई देख सकते हो, यहाँ पर एक ज़माने में पानी भरा रहता था, बड़ा सा तला हुआ था, एंड आज बिल्डिंगें बन गई हैं। अभी भी काफ़ी नीचे है, यहाँ पे बरसात होती है तो पानी भर जाता है। अभी मैं यहीं पे बैठ गया, एंड यहाँ पीछे शायद ना वाईफाई लगा है। तो मेरा फ्रेंड एक साल पहले यहीं पे लाइव स्ट्रीम किया करता था बैठ के, यहाँ पे फ्री का वाईफाई कनेक्ट करके। एंड अब तो इसके पास जियो सिम है, अनलिमिटेड नेट मिलता है। एंड अभी मेरा फ्रेंड आगे, इसका एक यूट्यूब चैनल है, बट इसने अभी तक यूट्यूब चैनल मुझे नाम नहीं बताया है। जल्दी चलो घर चलो, बट मैं घर जा रहा हूँ। एंड सामने की लोकेशन इस तरफ की देख सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। थोड़ा इस साइड आ जाते हैं, इधर डबल लेन की पटरी बन चुकी है, पहले एक ही थी वो वाली, एंड इधर की जल्दी ही बनी थी अभी। तो गाइस इधर से जीना बने हैं, मैं जा रहा हूँ और फटाफट इधर से निकलते हैं, अभी मेरा फ्रेंड आगे आगे जा रहा है। सो बाहर की आप लोग लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी अपने फ्रेंड के घर पे आ चुका हूँ, बाहर गली में खड़ा हुआ, मेरा फ्रेंड गेट खुलवा रहा है। तो फटाफट अंदर जाते हैं कि गेट खुलवा के, एंड बाहर की साइड की लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये डिग्री कॉलेज है। इस पीछे शायद इसका प्लस्तर नहीं हुआ है, एंड अभी गेट खुलवाते हैं। और आप लोगों को बता दूँ, कभी मैं भी इस घर में रहा करता था, ये वाले रूम में। तो ये इस वाले रूम में मैं 10 साल रह चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी कोई और रह रहा है। एंड यहाँ पर मैं 10 साल रह चुका हूँ, 2015 में यहाँ पर रूम मैंने खाली किया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन के बाद रूम के अंदर आया हूँ, अभी मैं जैसे यहीं पे बैठा हुआ हूँ। और आशा करता हूँ छोटा सा ब्लॉग।